17 सितंबर 2024 अगर आप चाहें तो आज के दिन की घटनाओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सकते हैं। होने को तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पीएम मोदी का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन इस खबर को टॉप करते हुए आज अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। मीडिया के लिए भी दुविधा थी कि दर्शकों को आखिरकार क्या दिखाएं, सब कुछ कैसे कवर करना है ये उनके लिए सोचना मुश्किल हो गया। एक तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव से लेकर पुतिन और जॉर्जिया मेलोनी जैसे नेता पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की राजनीति भी काफी इंटरेस्टिंग हो रखी थी। आज दोपहर ही करीब 12 बजे ऐलान हो गया कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वहीं शाम को अरविंद केजरीवाल ने एलजी हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर एक मजाक ये होने लगा कि पीएम मोदी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया है। ये मजाकिया जोड़ होने का दिन बनता भी था। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की तारीख ही ऐसी चुनी है कि सारी लाइमलाइट पीएम मोदी से हटकर उन पर आ गई। पीएम मोदी का जन्मदिन और केजरीवाल का इस्तीफा देना नेताओं के बीच जो हिस्ट्री रही है उसको और भी मजाकिया बना देता है। ऐसा सहयोग कम ही देखने को मिलता है। कभी एलजी को लेकर परेशानी जाहिर करना, तो कभी मुफ्त की रेवड़ी और रेवड़ी कल्चर की बातें करना। दोनों नेता एक दूसरे पर बार पलटवार करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का वो साल 2017 में दिया गया भाषण भी याद आता है, जिसमें उन्होंने एलजी और पीएम मोदी से नाराजगी जाहिर की थी। कहा था कि हम परेशान आ गए हैं 2.5 साल से। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे आपके एलजी साहब? अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये, तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया? तो हमको जनता बेवकूफ है, जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है, जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? साल 2022 में जब पंजाब विधानसभा के चुनाव आए तो पीएम मोदी ने केजरीवाल के फ्रीबीज देने वाले वादों को लेकर चुटकी ली थी। पीएम ने इसको रेवड़ी कल्चर का नाम दिया और कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्रीबीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। साल 2022 में ही पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके लिए केजरीवाल को काफी ट्रोल भी किया गया। दरअसल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान सीएम केजरीवाल सुस्ताते नजर आए। पीएम के सामने ऐसा रवैया दिखाने को लेकर बीजेपी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि ऐसा तरीका सही माना नहीं जाएगा। साल 2022 के अंत में ही G20 बैठक से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल आमने सामने नजर आए। दोनों नेताओं की जो मुलाकात हुई थी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। जो नेता दिन रात एक दूसरे पर वार पलटवार करते थे, हमलावर रहते थे, वो जब एक दूसरे के आमने सामने आए तो माहौल बिल्कुल ही अलग था। दोनों नेताओं के बीच जो रिश्ता रहा है उसको जब आगे भी अब याद किया जाएगा तो आज के दिन का जिक्र जरूर होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन ही अरविंद केजरीवाल का अपने पद से इस्तीफा देना संयोग था भी तो बड़ा दिलचस्प संयोग था। इस संयोग को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।